शारदीय नवरात्रि के पहले दिन महानगर के मंदिरों में भक्तों का तांता लगा रहा। माँ दुर्गा के भक्त सुबह से ही पूजा पाठ में लगे रहे और मंदिरों में श्रद्धा भाव से आराधना करते नजर आए। गोलघर स्थित जय सिद्धि माँ महाकाली मंदिर में श्रद्धालु लगातार कतारबद्ध होकर पूजा अर्चना करते रहे और अपनी मनोकामना पूर्ति के लिए माँ के दरबार में हाजिरी लगाते रहे। इस मौके पर गोरखपुर न्यूज संवाददाता से बात करते हुए मंदिर के पुजारी नरेंद्र सैनी ने बताया। मेरा नरेंद्र कुमार सैनी नाम पर है ये मंदिर भी। आप हम लोग जब तक नहीं थे उसके पहले से ये मंदिर है और माता जी के दरबार में हर मनोकामना पूरी होती है दर्शनार्थियों की, और जो भी सच्चे दिल से मांगे जाते मुराद वो हमेशा पूरी होती है। और यहाँ तक कि यह आपके सामने देख रहे हैं मंदिर में सुबह से लेकर शाम तक, मतलब एक हफ्ते से बरसात कंटिन्यू है। आज शारदीय नवरात्र का पहला दिन है और देख रहे हैं आपके मतलब मेरे माता जी के दरबार में कतारों में लाइन लगी हुई है भक्तों की। सारे भक्त आते हैं अपनी मुरादें माता जी से कहते हैं, माता जी हर मुराद को पूरी करती हैं। विशेष तौर से जो माता जी आज से 50-60 साल पहले धरती में से निकली हुई थी उनकी प्रतिमा आगे माता जी की मूर्ति के सामने स्थापित है। उस मूर्ति से मतलब आज हम लोग के न रहते हुए उसके पहले से ही हम लोग के पूर्वज करते आ रहे हैं और हम भी लोग वही कर रहे हैं।